हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के शौकीन हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर दोस्तों अपना एक आईडी क्रिएट करके ऑनलाइन अपना कुछ भी प्रोडक्ट मंगाना चाह रहे हैं दोस्तों, और फ्लिपकार्ट में अभी आपने फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल नहीं किया और उसकी आईडी नहीं बनाई है, तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट फ्लिपकार्ट को डाउनलोड करके और उसमें कैसे साइनअप करते हैं, उसमें एड्रेस कैसे जोड़ते हैं, कंप्लीट प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर मेरे पास एक मोबाइल है। चलिए हम सबसे पहले यहां पर प्ले स्टोर को ओपन करेंगे एंड यहां पर दोस्तों हम फ्लिपकार्ट लिखेंगे, उसके बाद यहां पर सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम यहां पर फ्लिपकार्ट लिखेंगे तो ये आपको यहां पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का ये एप्लीकेशन आ गया है। तो इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल से हम इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यह एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर इसका ओपन होने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि ये हमारा जो है एप्लीकेशन ये ऑलरेडी इंस्टॉल होकर के ओपन के कंडीशन में आने ही वाला है। तो अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हम यहां से बैक कर दिए हैं। ये हमारा एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये ओपन का ऑप्शन आया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहां से ओपन करेंगे या फिर इसको यहां से क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके यहां से इसको क्रॉस करके यहां से आकर के ओपन करेंगे। तो चलिए, हम इसको कर दिया है ओपन। ओपन कर देने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप दोस्तों इसको आप किस भाषा में यूज करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग यहां पर चयन कर लेंगे। तो चलिए अभी हम फिलहाल इंग्लिश पर चयन करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इतना कर देने के बाद दोस्तों यहां पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। तो चलिए हम अपना यहां पर मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। यहां पर हमने अपना एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। अब यहां पर करेंगे कंटिन्यू। तो जैसे ही हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा तो यहां पर हम देखिए ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कोड ले लिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया है और इसका डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब दोस्तों यहां पर हुई बात एड्रेस फिल करने की। चलिए अब यहां पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अभी आपका यहां पर ऊपर मोबाइल नंबर दिख रहा है और अब दोस्तों हम इसमें कुछ डिटेल फिल करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड यहां पर एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना कर देने के बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम यहां पर अपना नाम लिख देते हैं। यहां पर नाम लिख देने के बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहां पर ईमेल आईडी भी लिखने का ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी लिख दें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो ये इतना कर दिए हैं। दोबारा से इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहां पर। अब आप देखेंगे कि यहां पर एक ऑप्शन है सेव एड्रेस, तो इसी पर करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हम यहां पर सेव एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक किए हैं तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आया है। यहां पर दोस्तों एड ए न्यू एड्रेस, चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ये कुछ अलाउ लोकेशन मांग रहा है, चलिए इसको हम यूज एप्लीकेशन कर देंगे। अलाउ कर देने के बाद यहां पर करेंगे दोस्तों, ये ऑटोमेटिक कुछ एड्रेस सजेस्ट कर रहा है कि यहां पर इसको कंफर्म कर लें। तो हमको यहां पर कस्टम मतलब करना है, कस्टमाइज करके इसको दोबारा से नया से भरना है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम यहां पर अपना फुल नेम फिर से लिख देंगे इस एड्रेस वाले डिटेल में। दोस्तों अगर आप चाहें तो वहां पर जैसे कि मैंने अपना वहां पर नाम लिखा था प्रोफाइल पे, आप चाहें तो इसमें किसी दूसरे का भी एड्रेस फिल करके आप उसको मंगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी हम यहां पर अपना ही नाम लिखेंगे। यहां पर हमने अपना नाम लिख दिया है। अब दोस्तों यहां पर एक आया है पिन कोड का ऑप्शन, यहां पर अपने एरिया का अपना पिन कोड फिल करेंगे। तो हम यहां पर अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम यहां पर अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे तो यहां पर दोस्तों कुछ डिटेल ऑटोमेटिक फेच कर लेगा पिन कोड के अकॉर्डिंग। यहां पर जैसे स्टेट हुआ एंड यहां पर सिटी हुआ, तो उसके बाद दोस्तों यहां पर हाउस नंबर में अपने गांव का नाम फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहां पर अपने गांव का नाम फिल कर लेते हैं।
यहाँ पर गांव का नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें और कुछ दिखा रहा है, बिल्डिंग नेम रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर गांव का नाम फिल करने के बाद नीचे आएंगे रोड नेम एरिया लोकेलिटी, यहाँ पर कॉलोनी वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लैंडमार्क या फिर आपके घर के पास कोई ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा फेमस है उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों अपने एरिया का ही कुछ नाम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इतना लिख देंगे, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक मस्जिद मजार जो भी होगा कोई चिन्ह होगा उसका नाम डाल देंगे। चलिए हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं। ये हमने लिख दिया है, इतना लिख देने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है कि ये आप जो एड्रेस दिए हैं ये आपका ऑफिस एड्रेस है या फिर होम एड्रेस है। तो हमारा ये घर का एड्रेस है तो हम यहाँ पर होम वाले पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे सेव एड्रेस का एक ऑप्शन है, तो इस पर करेंगे क्लिक। अब जैसे ही हम यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे मोबाइल में ये हमारा इतना एड्रेस सेव हो गया। अब हम यहाँ से आएंगे बैक। अब बैक आ जाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट खरीदना होगा, होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखेंगे जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे मान लो मुझे शूज खरीदना है तो हम यहाँ पर शूज लिखेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर शूज लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सजेस्ट कर दिया। और अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ कनेक्शन का एरर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे शूज आ गए हैं। अब आप इसको कैसे इसको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करने के लिए जैसे हमको यहाँ पर कुछ, जैसे यहाँ पर हमें ये शूज पसंद आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आपको ऑर्डर नहीं करेंगे सिर्फ दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जैसे ही आप अपने यहाँ पर एड्रेस फिल किया था यहाँ पर वो एड्रेस जो है शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि इसको यहाँ पर एक देख सकते हैं इसका पूरा अमाउंट दिख रहा है। कंटिन्यू करेंगे तो इसी एड्रेस पर ये ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर करने के लिए अब इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड मांगेगा। यहाँ पर दोस्तों अपना कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग, UPI, कैश ऑन डिलीवरी। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस ऑर्डर, जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है कन्फर्म हो जाएगा, ये बुकिंग हो जाएगी। तो ये 2 से 3 दिनों में जो है पार्सल पहुँचा दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना और फैमिली मेंबर में दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।